मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको बिना ईस्ट के ब्रेड बना के दिखाऊंगी जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से आप बिना ईस्ट के भी घर पे आराम से ब्रेड बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी जो आपके किचन में हेल्पफुल रहेगी। तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मिल्क। हमें यहाँ पे वार्म मिल्क चाहिए, हल्का गर्म मिल्क चाहिए। उसमें हम अब 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हमारा मिल्क सेट होता है तब तक हम कढ़ाई को प्रीहीट के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप नमक डाला है और नमक के अंदर ये रिंग रखी है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए छोड़ देंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम डो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक केक मोल्ड लिया है, उसको अच्छे से ऑयल लगा देंगे और हम उसकी आटे से डस्टिंग कर देंगे। अब हम सूखे आटे से इसकी डस्टिंग कर लेंगे। और इसको साइड में रख देंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इस मेजरमेंट के साथ 3 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। अब हम उसमें 3/4 टेस्पून नमक मिलाएंगे, 2 बड़े चम्मच शुगर मिलाएंगे, शुगर का पाउडर मिलाया मैंने यहाँ पे। हमको यहाँ पे 1.5 टी स्पून बेकिंग पाउडर चाहिए और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। हमारा ये दूध रेडी हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे से कर्ड हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल मिलाएंगे, 4 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये सारा हम डो में मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम सारा इसमें मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर ज़रूरत के अकॉर्डिंग 1/2 कप वार्म मिल्क और मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए एक जैसा बैटर बना लेंगे। अब हमने जो ग्रीस किया हुआ मोल्ड रेडी किया था उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। अब एक स्पैचुला की सहायता से हम बैटर के ऊपर अच्छे से प्लेन कर लेंगे। फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करके हम इसको पहले 20 मिनट के लिए रख देने जा रहे हैं। हमें 20 मिनट के लिए मीडियम फुल गैस पे हम उसको छोड़ देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने कलर आने के लिए हल्का सा इसको फॉइल पेपर का यूज़ किया है। अब हमारे यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार देखेंगे। तो फॉइल पेपर को हम हटा देंगे। फॉइल पेपर हटाने के बाद इसको 5 मिनट हम और पकने देंगे। अब हम 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ये मीठा दूध, मैंने यहाँ पे इस दूध में शक्कर डाली है और हम इसके यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका डो बनाते टाइम अगर आपका दूध कम पड़ जाता है तो आप 1/2 कप और वार्म मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से तेल डालूंगी और
और इसको ढक देंगे। हमको फिर से इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। अब हमारे यहाँ पे 45 से 50 मिनट मुझे यहाँ पे लगे हैं। अब हम चेक करते हैं, हमारी ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और धीरे से इसको नीचे उतार लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। अब इस गरम गरम पे ही हम बटर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हो। बटर या ऑयल लगाने का रीज़न यही रहता है कि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे। हम यहाँ पे अब उसको गीले कपड़े से इस मोल्ड को अच्छे से कवर कर देंगे और अच्छे से ठंडे होने देंगे, जब तक कि रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। फिर इसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अब ये हमारा अच्छे से रेडी हो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे, चाकू की सहायता से हल्का हल्का कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे चाकू से किनारे काट लिए हैं। वह प्लेट पे हम उसको उल्टा करेंगे, हल्का हल्का टेप करेंगे ताकि ये निकल जाए। आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप बिना इस्ट के आराम से अपने घर पे भी ब्रेड बना सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हमारी टिप्स का टाइम हो गया है। आज की हमारी टिप्स है, अगर आप सब्जी या दाल बनाते हैं उसमें अगर आपका नमक ज़्यादा हो जाए तो आप आटे के छोटे छोटे बिना नमक वाले आटे के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं या आलू के छोटे छोटे कटिंग डाल सकते हैं। उससे आपका दाल या सब्जी में एक्स्ट्रा गिरा हुआ नमक कम हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।